लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा में कल यानी कि 23 मार्च को जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के ललाट पर काले धब्बे से कुछ कम नहीं है। बिहार विधानसभा के भीतर की तस्वीरें आपने देखी होगी, एक तरफ जहां अध्यक्ष की कुर्सी को घेरा गया, अध्यक्ष को बंदी तक बनाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के विधायकों को खूब पीटा गया। विपक्ष के विधायकों ने भी हंगामा किया, रिपोर्टर्स टेबल के ऊपर चढ़कर बात कर रहे थे, अध्यक्ष की कुर्सी को घेर रहे थे, उसी के दौरान मार्शल के साथ हाथापाई भी हुई। कई तस्वीरें आपने देखी जहाँ पर सदन के भीतर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्माया हुआ था। शायद ही इस देश की राजनीति के इतिहास में ऐसी तस्वीरें किसी ने देखी होगी। सड़क पर हंगामा होते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन सदन के भीतर ऐसा कुछ होगा वो कभी किसी ने सोचा नहीं था। एक एक तस्वीर हमने आपको हर एक एंगल से दिखाई है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के विधायकों को खूब पीटा गया है और विपक्ष के लोगों ने भी जो किया वो सही नहीं था। अध्यक्ष की कुर्सी को घेर लेना, बंदी बनाने की कोशिश करना, रिपोर्टर्स टेबल के ऊपर चढ़कर हंगामा करना, पेपर्स छीन लेना, ये सारी चीज़ें गलत थी और जिस तरह से विधायकों को पीटा गया वो भी कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन इस दौरान विपक्ष के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो क्या कुछ कर रहे थे वो भी देखने वाली, सोचने वाली और गौर करने वाली बात है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष के सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं इस समय में सदन के भीतर, वो क्या कर रहे थे। तस्वीर देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिल्कुल मौन होकर खड़े हैं, उनके विधायकों को पीटा जा रहा है, घसीट कर ले जाया जा रहा है, और दूसरी ओर उनके जो बड़े भाई हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक भी हैं, वो वीडियो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और तेजस्वी यादव चुपचाप खड़े होकर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक बार ये वीडियो देखिए। तो आपने वीडियो में देखा किस तरह से जो भी पुलिसकर्मी हैं या फिर मार्शल हैं वो विधायकों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं, उनके साथ हाथापाई की जा रही है, पीटा जा रहा है उन्हें, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुपचाप शांत होकर खड़े होकर इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं। एक भी बार उन्होंने उस जगह अंदर में विरोध नहीं किया, ना ही तेज प्रताप यादव ने कुछ कहा, वो अपने फ़ोन से वीडियो बनाने में काफ़ी बिजी थे, जबकि तेजस्वी यादव चुपचाप इस पूरे नज़ारे को देख रहे थे। दोनों ही भाई अध्यक्ष की कुर्सी के पास आपको नजर आएंगे, जो भी राजद के विधायक थे उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी को घेर रखा था और अध्यक्ष तक को बंदी बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद नौबत जो है वो हाथापाई की आ गई। पुलिस की जो पूरी टीम है वो भी सदन के भीतर पहुंच गई, मार्शल्स के साथ हाथापाई की गई। वो तस्वीरें तो आपने देखी होगी कि किस तरह से कल का दिन बिहार विधानसभा के भीतर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में महाभारत सा रहा, अलग ही युद्ध अंदर चल रहा था। लेकिन विपक्ष के जो लीडर हैं वो क्या कुछ कर रहे थे, एक बार फिर से आप देखिए कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे। तो आपने तस्वीर देखी, तेज प्रताप यादव वीडियो बना रहे थे अपने फ़ोन से और वहीं तेजस्वी यादव बिल्कुल चुपचाप मौन खड़े होकर अपने विधायकों को पिटता हुआ देख रहे थे, और पिटाई इस तरह से हो रही थी जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कंधे पर उठाकर बाहर ले जाया जा रहा था, घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, जैसे हाथ चल जाए वैसे ही मार पड़ जाए, वैसी वाली मार लग रही थी। लेकिन दोनों ही भाई कुछ नहीं बोल रहे थे, एक वीडियो बना रहे थे, वहीं दूसरे चुपचाप खड़े होकर इस पूरे नज़ारे को देख रहे थे। क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बस इतनी थी कि वो बाहर जाकर हंगामा करें, या फिर बीच में सवाल उठाए, क्या उनका ये फ़र्ज नहीं बनता था कि बीच बचाव करें, अपने विधायकों को पिटने से रोके, बजाय इसके कि चुपचाप खड़े होकर पूरा का पूरा सिनेरियो देखते रहे।
वाली बात यह होगी कि आगे ये मुद्दा और कितना उछाला जाता है, कितना गर्माता है, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ बातें निकल कर आती है और विपक्ष आगे इस पर क्या कहता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो पूरा कहा जा रहा है कि सरकार की हर लाठी का जवाब दिया जाएगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।